ज्यादा बढ़िया तो मूवी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की लव स्टोरी दिखाई इसमें। ऐसा धोएगा ना, ऐसा धोएगा, और तो धोया है, बढ़िया मजा आ गया, सारे सीन ऑसम है। ये सन्नी देओल लाके ये दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं हमारे सामने। सही है। और राजस्थान वाला राम रस की वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ गदर 2 का पब्लिक रिव्यू, जो हाँ बिल्कुल, और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट में सरप्राइज देखे बिना मत जाना। और अभी सभी जैसे ही मूवी देख के निकलते हैं उनसे पब्लिक रिव्यू लेंगे और बताएंगे कि कैसी मूवी आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। और मैं भी इस मूवी को देखने जा रहा हूँ, मैं मेरा ओपिनियन भी शेयर करूंगा, लेकिन लास्ट वाला सरप्राइज भी मिस मत करना गलती से भी। लास्ट वाला सरप्राइज बहुत ही गजब है। और हाँ, वीडियो की भावनाओं में भेजाओगे, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चलो अब देखते हैं, आ जाओ। इंटरवल हो चुका है और जैसे ही अभी तक की मूवी इतनी गजब लग रही है, इतने मजा है, सच में बहुत मजा आ रहा है। देखिए आपने अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल के अभी बाकी है, बाद में कोई आधी इंटरेस्ट तो अभी आएगा, अभी और आएगा इंटरेस्ट, बहुत शुरुआत है। जीते को बचाने के लिए तारा सिंह जाने वाला है, जीते को बचाने के लिए अब आएगा मजा। अच्छा। और लास्ट में बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। एक प्यारा सा कुछ यूनिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए लास्ट के लिए। और हाँ, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। तो आ जाओ हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है। अरे तुम्हारे सिपाहियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया, वहां की औरतों पर अत्याचार किया। नहीं, 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और जिंदाबाद रहेगा। अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया ना, तो मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। अगर हर पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया ना, तो उनकी आवाज हमारे बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगी। और अगर हर हिंदुस्तानी ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसकी आवाज की गूंज तुम सबको फाड़ देगी। और इधर भगवत गीता शरीफ या भगवत गीता, गीता गीता, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकता था, कैसे इंसान हो तुम? मजा आ गया, मान ले 2-4 फोटो और देके आऊंगा वही। तो गदर 2 कैसी लगी? कैसी लगी गदर 2? अच्छा लगा। हां कैसी लगी आपको गदर 2? सिस्टम कैसी लगी गदर 2? ये नहीं भी लेके हैं और सरकारी नौकरी भी मिली है। सिस्टम हां भाई, कैसा लगा? बहुत मजा, बहुत मजा। कैसी लगी मूवी? बहुत ही बढ़िया लगी भैया। अच्छा, और भैया कैसी लगी मूवी? लोगों को देखने आना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार। अच्छा मूवी। और कुछ कहना चाहोगे? मतलब पहले से सुपर हिट फिल्म आई है और ये भी सुपर हिट फिल्म है, और गदर फर्स्ट थी और ये सेकंड है। और इसके बाद बता देते हैं कि ऐसी ही जुनून है हिंदुस्तान के अंदर। ये सन्नी देओल लाके ये दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं हमारे सामने। सही है। और सुपर हिट गदर 2 कैसे लगी? बॉक्स मजा आ गया।
ऐसा धोएगा ना, ऐसा धोएगा, और तो धोया है, बढ़िया मजा आ गया यार। और तो कैसी मूवी, इससे ज्यादा बढ़िया तो मूवी हो ही नहीं सकती कहीं। अच्छा, मूवी बहुत अच्छी लगी। जो आजकल के बेरोजगार है उनके लिए एक तरीके से मोटिवेट है कि वहाँ जाओ, शादी भी हो जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, दोनों काम हो जाएगी, पाकिस्तान जाओ आप। अच्छा, कैसी लगी मूवी आपको? नहीं, बहुत अच्छी थी मूवी। अच्छा, और आपको? मस्त। अच्छा, सेकंड हाफ अच्छी थी। अच्छा, फर्स्ट हाफ स्लो थी। अच्छा, और मुझे बहुत हंसी आई लास्ट में। बहुत अच्छी है, इसमें आप लोगों को भी देखनी चाहिए। सारे सीन ऑसम है, सारे सीन, एक भी सीन ऐसा नहीं है जो अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की लव स्टोरी दिखाई है इसमें। इसका एक ही हो सकता है, अगली वीडियो में बताया जो बस में सामान बेचते हैं, पकौड़ी, बोतल, पानी की, जो भी सामान बेचते हैं वो कितना कमाते हैं, एक बार अगर आप जान जाओगे, आप जान के हैरान रह जाओगे। तो ये सरप्राइज ट्रेलर देखो आप अगली वीडियो का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना बस, क्योंकि यार इतना कमाते हैं बस में सामान बेचने वाले, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और क्या क्या बेचते हैं आप? पानी की बोतल बेचते हैं, पकौड़े बेचते हैं, अंगूठे बेचते हैं, आप दिन भर बढ़िया छोटा मत समझो। हर बार महीने में मतलब अच्छी अच्छी जगह घूमने भी जाता हूँ। अच्छा, खाना खाने बाहर भी जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल लोगों को हम छोटे दिखते हैं, बिल्कुल काम बहुत बड़ा है हमारा, बिल्कुल किसी गुलामी नहीं। अच्छा, किसी गुलामी नहीं, किसी नीचे काम करने जाएंगे। अच्छा, तो 10-12 हजार देगा सैलरी, 2 गाली देगा, ऊपर से तनखा देगा महीने पे। सबसे बढ़िया मैं यहाँ पे समोसे बेचता हूँ, पकौड़ी बेचता हूँ, समोसा बेचते हैं। और इनका एक टैलेंट है, इनके अंदर टैलेंट देखो कहीं पे भी हो सकता है। ये अच्छा डांस करते हैं, तो आज हमें ये डांस करके बताएंगे। हाँ, जो भैया डांस करो आप। हमें बहुत सारे परेशानी उठानी पड़ती है, दिन भर इधर से उधर भगना पड़ता है, प्लस कोई भी कंडक्टर वगैरह आते हैं और हमें बिना मतलब ना तो बस में चढ़ने देते हैं, दादागिरी और करते हैं हम लोगों पे। अरे हम लोग कहाँ जाए, हम लोग सबकी सुनते हैं, सबको यहाँ सेवा करते रहते हैं दिन भर, भग भग के ग्राहकों को पानी बोतल नमकीन वगैरह सबकी सेवा करते रहते हैं, नाश्ता पानी जो भी है। और लोग आते, कोई इज्जत नहीं करते, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है, भाई सब बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। जैसे मानो कोई बेरोजगार बेटा है किसी के पास, तो ये धंधा अगर वो शुरू करना चाहे उम्र में कम से कम तो 500 रुपए दुकान वालों को जमाना पड़ेगा, करेंगे 100 रुपए की बर्फ जमाने लेनी पड़ेगी, तो उसे आपने गुजारा बसों में चढ़ाना पड़ेगा। आप ये ईयरफोन और घड़ी बेच कर कितने कमा लेते हो महीने?